व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। एक नया ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं आज, और आज ब्रेकफास्ट से नहीं करेंगे। ब्रेकफास्ट मैं कर चुका हूँ, क्योंकि आप लोग को वही चीज़ बार बार दिखाना नहीं चाहता। क्योंकि आज ब्रेकफास्ट में मैंने फिर वही ऑमलेट किया, और फिर दो स्लाइस ब्रेड था, चाय था, तो वही बार बार एक ही चीज़ दिखा के मैं आप लोग को बोर नहीं करना चाहता था। बेटे का क्लास भी हो गया है ख़त्म। क्या किया आज? ये देखो छुप रहा है, ये पीछे कौन है बताओ? शॉन्टी मोंटी। दिखाओ कौन है शॉन्टी और कौन है मोंटी। ये मोंटी। अच्छा, और ये शॉन्टी। ये शॉन्टी, ये किसने खरीद के दिया आपको? ये मम्मी ने दिया। गिफ्ट दिया है आपको? हाँ। आपको अच्छा लगता है ये? हाँ। अच्छा लगता है? क्या करते हो आप इससे? खेलता हूँ। कैसे खेलते हो दिखाओ, क्या बात करते हो? मैं बात नहीं करता। तो फिर मैं बस इसको ऐसे नहलाता हूँ, उसको खिलाता हूँ। अच्छा, तुम ही नहलाते हो? हाँ। इसको क्या खिलाते हो? कुछ नहीं। अभी तो बोला तुम खिलाते हो। दूध। दूध हेल्दी होता है? हाँ। ओके, चलो फिर कुछ काम करते हैं, आ जाओ। ओके, वो चॉकलेट भी खाते हैं। अच्छा, क्या काम करोगे बताओ? अभी क्लास है और? ठीक है, तो दोस्तों इसका क्लास हो गया है ख़त्म, और मुझे अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो मैं जा रहा हूँ प्रोटीन शेक बनाने। और प्रोटीन शेक के साथ आज सेब भी मंगाया है, तो सेब भी खाऊँगा। आइए आपको दिखाते हैं। To give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. तो दोस्तों मेरा प्रोटीन शेक रेडी है। इसमें आपने देखा कि मैंने केला मिलाया और प्रोटीन पाउडर मिलाया है, और मैंने एक सेब भी काटा था, तो मेरा बेटा सेब खा रहा है अभी। मैं भी एक दो पीस खा लूँगा, बाकी उसको खिला दूंगा। ये लो खाओ, एक और ले लो। यू वॉन्ट वन मोर? एक और काटू? सेब काटू एक और? तो इसको भूख लग रहा है, इसका मतलब है तो मैं एक और सेब काटने जा रहा हूँ, और मैं भी एक दो पीस ले लेता हूँ। An apple a day keeps the doctor away, but if the doctor is handsome, then keep the apple away. समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ? बहुत ही हेल्दी चीज़ है, एप्पल ज़रूर खाइए। मैं एक और एप्पल काटने जा रहा हूँ, और मैं अपना प्रोटीन शेक भी ख़त्म करता हूँ। अच्छा लगता है आपको? इज़ इट हेल्दी और नॉट? इसमें क्या होता है? और नेचुरल शुगर खाने से क्या होता है? हेल्दी खाने से क्या होता है? मसल बनता है। ठीक है, आप हेल्दी खाते हो ना हमेशा, तो सबको बोलो कि हेल्दी खाना चाहिए हमेशा। सबको हेल्दी खाना चाहिए। उधर देख के बोलो सबको हेल्दी खाना चाहिए। और हेल्दी में क्या क्या होता है? एप्पल, बनाना, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो, है ना? ओके। एवरीबॉडी हेट वेजिटेबल्स। व्हाई? बिकॉज़ देयर इज दिस स्पिट इट आउट, दे डोंट लाइक इट। दे डोंट लाइक इट, बट इट इज हेल्दी, राइट? बट दे डोंट इवन लाइक, दे जस्ट ईट जंक फूड। या या, दैट इज नॉट गुड। जंक फूड इज नॉट गुड एट ऑल। क्या कर रहे हो? ये खा लिया, सेब खा लिया? हां, पूरा फिनिश करो इसको। ये लो, फिनिश करो। दो पीस बच रहा है, ये देखो। अरे इसको ख़त्म करो, पेट भर गया। चलो ये देखो, ये कार्टून देख रहा है ये, और दो पीस इसने छोड़ दिया है। तो जब भी इसका पेट भर जाता है तो छोड़ देता है, तो फोर्स मत करो कभी भी बच्चे को। तो रीमा कुछ सामान लेके आ गई है। क्या लाए हो रीमा? पनीर। ये पनीर लेके आई है, और ये दूध, दही भी है, और एक ट्रे अंडा। तो पूरा मतलब लगता है कि प्रोटीन का सामान लेके आ गई है पूरा। ये देखो, अंडा भी है, दूध, दही, पनीर, और इसको देखो फ्रूटी पी रहा है। इसको रोज़ एक फ्रूटी चाहिए, तो रीमा से डिमांड करती है कि फ्रूटी चाहिए इसको, रोज़ एक फ्रूटी पीना है इसको।
ढाई बज चुका है, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। आइए आपको दिखाते हैं आज खाने में क्या है। रीमा ने खाना लगा दिया है और बेटा जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अभी, ये देखो। और इसने खाना भी नहीं खाया है, तो मेरा खाना जो है आपको दिखाता हूँ क्या है आज। तो ये है मेरा आज का खाना और देखो कितना ज़्यादा खाना है। आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चावल है, यूजुअली मैं इतना चावल खाता नहीं। चावल भी है, लोबिया है, सीताफल है, और नीचे ना आपको अंडा भी दिखेगा। ये देखो ये अंडा है। एक्चुअली ये अंडा जो आप देख रहे हो और जो चावल आप देख रहे हो, ये मेरा बेटे का खाना था, पर उसने आधा ही खाया। इधर आओ, कम यार। तो इसने पूरा खाना नहीं खाया, तो इसलिए मैं उसका खाना भी फिनिश कर रहा हूँ। क्यों नहीं खाया आपने पूरा? बिकॉज मैं इतना सारा नहीं खा पाता था। तो इतना सा तो दिया था रीमा ने, रीमा आंटी ने आपको इतना सा दिया। मत ये देखो, हाँ इतना इतना ऐसे। तो ये पूरा खाना नहीं खाता है, रोज़ ये कुछ ना कुछ खाना छोड़ देता है और वही खाना मैं खाता हूँ। और यूजुअली क्या है कि खाना कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, आप लोग भी खाना मत फेंकिए, क्योंकि बहुत लोगों को खाना नसीब नहीं होता है, तो खाना कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। और मैं भी नहीं फेंकता हूँ, भले ही इसका खाना मुझे खाना पड़ रहा है, तो मुझे वैसे भूख लग रहा है तो मैं इतना तो खा लूँगा, लेकिन खाना कभी भी वेस्ट मत करिए। अभी 8:10 बज रहा है और इतनी ज़्यादा कॉल था आज, इतनी ज़्यादा कॉल था कि कॉल लेते लेते ब्लॉक करने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं फ्री हुआ हूँ, 3 बजे से लेके 8 बजे तक तकरीबन 5 घंटा मैं कॉल पे लगातार लगा रहा। बेटे को भी टाइम नहीं दे पाया, वो भी मेरे साथ मेरे रूम में बैठा हुआ था, सो गया बीच में। तो अभी मैं कॉल ख़त्म कर चुका हूँ, मैंने चाय पिया है, थोड़ा सा मैंने ब्रेड खा लिया, 2 पीस ब्रेड खाया था। वाइफ आई थी ऑफिस से, कुछ मिठाई लेके आई थी, तो मिठाई भी मैंने खा लिया, लेकिन ब्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो इसलिए आप लोग को नहीं दिखा पाया। तो अभी मैं जा रहा हूँ जिम, बहुत टाइम हो गया मैं जिम नहीं गया, तो मैं अभी जिम जा रहा हूँ और वहाँ का 1-2 क्लिप आप लोग को दिखाऊंगा। जिम से वापस आके फिर खाना खाऊंगा, 1 घंटे बाद खाना खाऊंगा, तो दिखाऊंगा आज खाने में क्या है। एक इंटेंस वर्कआउट के बाद मैं घर आ चुका हूँ। आपने देखा कितनी इंटेंसिव वर्कआउट किया मैंने आज। बहुत दिन बाद मैं जिम गया था, लेकिन मज़ा आ गया। अच्छा लगता है जब भी आप वर्कआउट करते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए कौन सा एक्सरसाइज करें, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। वॉकिंग से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो ही आपका बॉडी सेंसिटिव होगा, इंसुलिन सेंसिटिव होगा, और तभी आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़रूर करिए अगर आप लोगों ने अभी तक शुरू नहीं किया। और बहुत लोग पूछते हैं मैं 60 साल का हूँ, 70 साल का हूँ, क्या मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ? जी हाँ, सारे लोगों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, चाहे आप 60 साल के हैं या फिर 70 साल के हैं। तो मैं जा रहा हूँ अभी फ्रेश होने, बहुत थक गया हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसके बाद खाना खाऊँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा और इस ब्लॉग को एक शाउट आउट देके फिर ख़त्म करेंगे। 10:30 बज चुका है, मेरा डिनर हो गया है रेडी। देखिए अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और उसके साथ हाई प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रोटीन नहीं लेंगे तो मसल मास नहीं बनेगा। तो आइए दिखाते हैं आज मेरे डिनर में क्या है। तो डिनर में आज है राइस और फिश करी, ये प्रॉन्स है और बासा फिश, ये देखिए, साथ में थोड़ा सा खीरा है, और एक और स्पेशल चीज़ है, ये है स्मूदी। इसमें मैंने
एक स्कूप प्रोटीन पाउडर भी डाला है, और बनाना है, अनार है, दूध है, और इसमें बादाम भी है। तो बहुत ही हेल्दी स्मूदी है ये। ये एक हाई प्रोटीन डिनर है। खाना खा लिया? हाँ। क्या खाया आज? क्या खाया बता, झाल लग रहा है? क्या खाया बताओ? चिंगड़ी। चिंगड़ी खाया? चिंगड़ी क्या होता है? अच्छा लगा? किसके साथ खाया चिंगड़ी? मम्मी। किसके साथ खाया मम्मी? चिंगड़ी किसके साथ खाया? मम्मी। मम्मी तो है, मतलब चावल के साथ, रोटी के साथ? हाँ, ओके, ठीक है। इसको झाल लग रहा है अभी। 11 बज चुका है और आज का दिन बहुत ही हेक्टिक था। आपने देखा कि मैंने बहुत सारे कॉल्स लिया, उसके बाद जिम भी गया मैं बहुत टाइम बाद। तो आज और कुछ करने का हिम्मत नहीं है, तो मैं 2 शाउट आउट देने वाला हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव शाउट आउट आज नहीं दूंगा। आज 2 पॉजिटिव शाउट आउट दूंगा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढता रहा नेगेटिव कमेंट्स, एक भी नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं मिले, तो इसलिए नेगेटिव कमेंट मैं नहीं दे सकता, तो इसलिए 2 पॉजिटिव शाउट आउट दूंगा। सच बता रहा हूँ, मैं बहुत सर्च किया कि एक भी नेगेटिव कमेंट मिल जाए, लेकिन एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिला। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी ने भी नेगेटिव कमेंट नहीं किया, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, और मेरे लिए खुशी की बात है कि आप लोग मेरा काम जो है बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग्स बहुत पसंद कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। मन तो कर रहा है कि सिर्फ शाउट आउट ही दूं, लेकिन इतने सारे शाउट आउट मैं दे नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जल्दी से लेते हैं 2 शाउट आउट। पहला शाउट आउट है विपुल वासावा का। विपुल जी कहते हैं, थैंक यू सर, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ के भी आप कितने पॉजिटिव थॉट्स रखते हो, सैल्यूट है आपको सर, आपके ब्लॉग का हमेशा इंतज़ार रहेगा, गॉड ब्लेस यू सर। सो विपुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा कमेंट आपने लिखा, और यही चीज़ मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आप अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते, तो नेगेटिव कमेंट्स मत दीजिए, नेगेटिविटी मत फैलाइए, शांत रहिए, चुप रहिए, वो ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर लवली कमेंट। और अगला शाउट आउट है आयशा का। आयशा लिखते हैं, सर आपके बातों से ही आधी बीमारी कट जाती है, हमें यकीन है कि आप डायबिटीज़ को जड़ से मिटा देंगे। यही मेरा सपना है, और इसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ कि मैं जीते जी देखना चाहता हूँ मेरा देश जो है, जिसको एक डायबिटीज़ कैपिटल का खिताब मिल चुका है, उसको मैं हटाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा, इनफैक्ट हर लोग अगर अपना डायबिटीज़ रिवर्स कर ले, तो ये मेरा सपना है, और जीते जी मैं ये देखना चाहता हूँ, और इसी के लिए मैं काम करता रहूँगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा इसी के लिए काम करूंगा। और आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस ब्लॉग को एडिट करूं, लेकिन ये ब्लॉग आप लोग को कल 8 बजे ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसकी एडिटिंग मैं कल करूंगा। अभी मैं जा रहा हूं सोने, इनफैक्ट सो नहीं सकता अभी, क्योंकि 1 घंटा मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना होता है, कुछ सीखना होता है, और जब तक मैं 1 घंटा कुछ नया नहीं सीखता हूँ, तब तक मैं सोता नहीं हूँ। तो 1 घंटा मैं कुछ सीखने की कोशिश करूँगा, और उसके बाद ही सो जाऊँगा। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग भी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोग को मिलते रहें। इस ब्लॉग में इतना ही, मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।